हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद हो करते हैं कि आप लोग सही होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। तो आज हम देखिए, हमने बताया था पिछले वीडियो में डिजिटल का कुछ क्लास, ये हमारा जो है शुरुआत किया था कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलते हैं आज का क्लास में, शुरुआत करते हैं। तो आज का क्लास जो है हमारा, यहाँ पर देखना है झारखंड, क्योंकि हमने कुछ बिहार के समाज समिति के बारे में बताया था। तो आज जानेंगे कुछ अलग राज्य के बारे में, समाज समिति के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना क्या है। मुख्यमंत्री क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किस राज्य में चलाया गया था। तो ये झारखंड राज्य में चलाया गया था। इससे किसका मतलब क्या था, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण या बाल विवाह, इस तरह अगर पूछेगा। कन्या सुमंगला योजना, तो कन्या सुमंगला योजना क्या है, यूपी में है। लेकिन कन्या, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो हमारा भारत में, जो बिहार में। तो यहाँ पर देखना है झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यानी बाल विवाह को रोकना। जिस तरह जो है कम उम्र में बताया जाता है कि बाल विवाह जो है करने से जो इसके जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये हमारा जो है कम उम्र बाल विवाह जो करने से जो नुकसान होता है, इसको जो है बढ़ावा देना था। ये हमारा जो इसके मतलब था जागरूक करना। एक हमारा है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये कृषि का नाम आया तो किसानों से संबंधित है। तो इसमें है 1 एकड़ से 5 एकड़ की भूमि वाले किसानों को 5,000 से लेकर 25,000 तक मुहैया कराना। तो है 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले को, किसानों को 5,000 से 25,000 तक मुहैया कराना। अगला है हमारा मीठी क्रांति योजना। तो मीठी क्रांति मतलब मीठा जो होता है शहद। तो मीठी क्रांति जो है उत्तर प्रदेश के, सॉरी झारखंड सरकार, राज्य के सरकार ने 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा गया। जिस तरह क्वेश्चन आएगा, मीठी क्रांति योजना किस राज्य में चलाया गया, तो झारखंड राज्य में चलाया गया। इसमें क्या था, तो 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना था। जबकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इधर आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है किस राज्य में चलाया गया था, तो ये लगभग सही राज्य में है। लेकिन जिस तरह हमारा बिहार में, बिहार में जो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्राथमिकता जो वर्तमान में मिल रहा है 10,000, पहले था 5,000। लेकिन झारखंड में जो है 30,000 रुपया कन्या विवाह में दिया जाता है। जबकि पूछेगा बिहार झारखंड में जिलों की संख्या कितना है, तो 24 है। जबकि हमारा अगर पूछेगा बिहार में कितना जिले, तो 38 जिला। जिला कितना है आपका, 24 जिला। जबकि यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। जबकि राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू। क्या है, द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे। फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद, 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले को 5,000 से 25,000 तक मुहैया कराना, मीठी क्रांति योजना राज्य के 12,000 किसानों को जो है मधुमक्खी पालन से जोड़ना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना झारखंड में कितने राशि दिया जाता है, तो 30,000। जिला कितना है, तो 24। जबकि हमारा जो सीएम हेमंत सोरेन है, जबकि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। ये क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड जो राज्य है बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ये हमारा हो गया आपका झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यूपी। जबकि हमारा यूपी का, तो बिहार का पड़ोसी राज्य कौन है, यूपी। अब हम आपसे पूछेंगे कि हमारा जो हमने बिहार वाले क्वेश्चन में करा दिया था, बिहार के कितने जिले यूपी को स्पर्श करता है, यानी कितने जिला स्पर्श करता है, तो कमेंट में जिनको बताए कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलते हैं सीएम यूपी के बारे में। यूपी के जो है वर्तमान सीएम आदित्यनाथ योगी है, सबको पता है। लेकिन अगर पूछेगा योगी जो है यूपी के, यहाँ पर जो है यहाँ के क्या है, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल हैं। जबकि देखिए यहाँ पर देखेंगे टोल फ्री हेल्पलाइन ये जारी करने वाला भारत का पहला सीएम है। जिस तरह आपको जो है सीएम से यह मतलब सामाजिक, जिस तरह ये राज्य में इतना भी योजना चलाया गया है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, उस पर 10 क्षेत्र पर आप हेल्पलाइन
कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है जल्द कुछ समय में ही आपको सहायता प्रदान किया जाएगा। देखिए हमारा कन्या सुमंगला योजना, तो बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएट की पढ़ाई तक उसे 15,000 रुपया दिया जाता है। जैसे ही बच्चा का जन्म होता है तो उसके खाते में 15,000 रुपया डाल दिया जाता है। तो ये हमारा है कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट है हमारा एक जिला एक उत्पाद। क्या है? एक जिला एक उत्पाद। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो है लघु मध्यम वर्गों को किसानों क्या करना था, बढ़ावा देना था। लघु मध्यम वर्गों को किसान करना था, बढ़ावा देना था। एक हमारा है दस्तक अभियान। क्या है? दस्तक अभियान बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह यहाँ पर है जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार का उपचार। इस तरह क्वेश्चन आता है कि आप लोग कुछ पहले सुने होंगे चमकी बुखार। क्या है? चमकी बुखार। तो चमकी बुखार जिससे ही जो है दिमागी बुखार या जापानी इंसेफ्लाइटिस, इस तरह हमारा जो आप लोग नाम सुनेंगे कोलिया का उपचार। अभी जो वर्तमान में चल रहा है क्या COVID-19 कोरोना, तो इसके लिए उपचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दस्तक अभियान किससे संबंधित है? दिमागी बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एम सेहत योजना। एम सेहत योजना में क्या था कि शिशु मृत्यु दर में कमी आ रहा था। जरा जैसे ही बच्चा जन्म लेता था तो मृत्यु दर में क्या हो रहा था? कमी हो रहा था। तो मृत्यु दर में मृत्यु में बढ़ोतरी हो रहा था, लेकिन मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये एम सेहत योजना चलाया गया। तो एम सेहत योजना किस राज्य में चलाया गया? तो यूपी राज्य में चलाया गया। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिक बैन की घोषणा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सितंबर 2019 के बाद नो प्लास्टिक जो है प्लास्टिक बैन की, हमारा जो है प्लास्टिक बैन की घोषणा किस राज्य में है? प्लास्टिक बैन की घोषणा 1 सितंबर 2019 के बाद नो प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा इसे पॉलिथीन की वगैरह। तो कब से लागू किया गया? 1 सितंबर 2019 से। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है बना पौधा लगाने का विश्व रिकॉर्ड। क्या लिखा? एक दिन में 22 करोड़ पौधा लगाने का ये जो है, तो एक दिन में 22 करोड़ पौधा लगाने का राज्य जो है सबसे ज्यादा विश्व रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यूपी का सरकार ने बनाया, उत्तर प्रदेश का सरकार बनाया। कितना पौधा? 22 करोड़ पौधा लगाया। तो जो है एक दिन में 22 करोड़ पौधा लगाने का टारगेट से बना था। तो फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ के यूपी के सीएम कौन है? आदित्य योगी नाथ। जबकि जो है यहाँ के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल। टोल हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1076। कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म से लेकर बेटी के बीए तक पढ़ाई की दिक्कत था 15,000। एक जिला एक उत्पाद, लघु मध्यम वर्गों को बढ़ावा देना, दस्तक अभियान, जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार के उपचार, यम सेहत योजना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, प्लास्टिक बैन की घोषणा 1 सितंबर 2019 के बाद, उसके बाद हमारा बना एक दिन में 22 करोड़ पौधा लगाने का विश्व रिकॉर्ड। तो शुरुआत करते हैं हम मुख्यमंत्री बिहार के बारे में। इस तरह बिहार के वर्तमान से यह मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार माननीय, और इस साल चुनाव भी होने वाला है। जबकि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है कमेंट करके जरूर बताएंगे, भारत के राज्यपाल कौन है जरूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जब आप लोग प्रखंड में जाते होंगे, आंगनबाड़ी या हो गया या सीडीपीओ हो गया ऑफिस में, तो वहाँ पर देखिए कन्या उत्थान योजना लगाया रहता है। और इसमें जो है मतलब महिलाओं को, ये बच्ची जो है ना आपका, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बालिका को बढ़ावा देने के लिए कन्या को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाया था। भ्रूण हत्या को बैंड करता है जो एक है। ऐसे भी आपका जो बिहार के हम समाज समिति के बारे में वीडियो स्पेशल बना दिया है, और लिंक मैंने इसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वीडियो जरूर देखें वो वाले वीडियो। एक हमारा जल जीवन हरियाली अभियान, देखिए ये हमारे मोदी जी का फ्रेंड प्लान चल रहा है, जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, मानव श्रृंखला, ये सब जो है फेवरेट है। और इसमें जो जीविका का योगदान बहुत ज्यादा है, जीविका को गया योगदान। इसका कहना है जल है तो जीवन है। क्या है? जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो जल जीवन हरियाली अभियान जो है इसमें था जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल या हरियाली को बचाना। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध, मान लीजिए आपका जो है
तो आपका जलवायु परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है, जल को बचाना पड़ेगा। मतलब जो अगर कहीं देख रहे हैं आपके नल जो है स्पेशल पानी क्या हो रहा है बिखर रहा है, लेकिन उसको क्या करना है, बंद करना है। तो ये हमारा जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया बिहार में। पत्रकार सम्मान योजना, याद रखेंगे पत्रकार सम्मान योजना, यहाँ तो बताता है कि 20 साल से जो अधिक अनुभव प्राप्त कर चुके हैं पत्रकार, 20 साल से अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्षों के बाद 6,000 पेंशन की व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है 20 साल अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष के बाद कितना पेंशन दिया जाता है बिहार में, तो 6,000 रुपया। जबकि हमारा है स्नातक प्रोत्साहन योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, स्नातक प्रोत्साहन से समझेंगे कि यहाँ पर जो है कन्या को यानी बालिका को जैसे ही आप ग्रेजुएट पास करते हैं, अविवाहित हो चाहो अविवाहित हो तो उसे 25,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाता है। इस तरह मान लीजिए अगर आप 10 किए और 10+2 कर लिए और 10+2 के बाद BA या BSc या ग्रेजुएट आपने कंप्लीट कर लिया, आप अविवाहित हैं तो 25,000 रुपये का लाभ ले सकते हैं। अगला हमारा है मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, और इसके बारे में हमने जो है विस्तार से बिहार समाज समिति के बारे में हमने डिफिनेशन किया है कि जो है 40 से 79 वर्ष की आयु के लिए कितना दिया जाता है, उसमें 400 रुपया है। 79 के बाद जैसे ही आप आते हैं 80 साल में तो 500 रुपया दिया जाता है। 400 रुपये जो है तो 50 केंद्र सरकार देता है, 50% जो आपका राज्य सरकार देता है, 500 रुपये जो है सिर्फ आपको जो है केंद्र सरकार देता है। जो भी जो इस तरह का हमने बिहार एक समय समिति के बारे में हमने क्लास में वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, इसका वीडियो जरूर देखेंगे। तो ये हमारा जो है मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना, जो कि बिहार का जो है वर्तमान जो है पहल जो है पहल जो किया गया है 7 निश्चय योजना पर किया गया है। तुम्हारा है आर्थिक हल, युवाओं का हल, जो आर्थिक हल देखा जाएगा युवा का हल है, ठीक है। तो आर्थिक हल युवाओं का हल, हर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली लगाना है। बिजली के बारे में आपको पता है, हर घर को बिजली क्या करना है, घर घर टू बिजली पहुंचाना है। घर तक पक्की नली गली संख्या, घर तक पक्की नली और गलियां, ये हर एक घर में पक्की नली और गलियां को बनाना है। जबकि अवसर बढ़े आगे बढ़े, यानी आप भी आगे बढ़िए, दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। घर हर घर नल का जल, हर घर लेकिन अभी तो फिलहाल वार्ड में जो है नल जल का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो इस तरह जो है हमारा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, शौचालय अपने बिहार में जो इतने भी कई करोड़ों शौचालय का निर्माण बनाया गया, शौचालय भी 12,000 रुपये राशि प्रदान किया गया, तो शौचालय का निर्माण घर का सम्मान है। अगला हमारा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, आरक्षित रोजगार जो है महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। जो सबसे पहले अगर महिलाओं का अगर यानी आपका जो है अगर किसी का वैकेंसी अगर निकला है तो सबसे पहले उसे महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये हमारा था मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, भ्रूण हत्या बालिका को बढ़ावा देना, जल जीवन हरियाली, जल है तो जीवन है, पत्रकार सम्मान निधि योजना, 20 साल से अधिक एक्सपीरियंस अनुभवों को 60 वर्ष के बाद पेंशन दिया जाएगा, स्नातक प्रोत्साहन योजना, अधिक जो ग्रेजुएट के बाद कितना मिलेगा 25,000 का मिलता है, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, तो ये हमारे 7 निश्चय योजना। तो ये सब हमने बताया झारखंड के बारे में, यूपी के बारे में, बिहार के बारे में। ये आपको एक था, और अगर बहुत से राज्य हैं, इतना भारत के बिहार भारत के 2,800 राज्य हैं, 29 राज्यों भी हैं, सब राज्य का अगर आपको योजना चाहिए किसी राज्य में कौन सा, इस तरह आप नाम सुनेंगे अमृत योजना, क्या है अमृत योजना, तो अमृत योजना चलाया गया पश्चिम बंगाल में। तो अगर इसी तरह आपको वीडियो चाहिए सबसे पहले इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों के पास शेयर करें, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें नहीं भूलें, और हम बताएंगे कि डिजिटल वाला आपने वीडियो देखा तो कैसा लगा, उस डिजिटल के लिए आपको एक लाइक जरूर बनता है, और डिजिटल वाली वीडियो पर जो है हम आगे वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। एक नई वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।